हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ, अभिप्स एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम जो है आपको क्लास 10 साइंस का जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट किए थे। कौन सा भाई? हम स्टार्ट किए थे क्या, इकाई नंबर 9वां नंबर का जो इकाई है उसे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है भाई? हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है भाई। इसका शुरुआत कर लिए थे हम लोग, उसका एमसीक्यू डिस्कशन कर लिए थे और सही जोड़ी मिला भी लिए थे, है ना। थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी जो था वो भी कर लिए थे, क्या होता है परिस्थिति, क्या होता है तंत्र, कैसे सिक्वेंस होता है, क्या कुछ भी हम जो था बेसिक वो पढ़ लिए थे भाई। और जो कुछ रह गया था उसको अब पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये चैप्टर जो है उतना भी ज्यादा तो नहीं आता, जैसे क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 2 नंबर का आप एमसीक्यू डील कर दिया और 2 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूं भाई, ये चैप्टर जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? आप कोई भी बोल दिया, आप एमवीएस एग्जाम में बिना पढ़े कुछ भी लिख के नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपको तो ये वर्ड ही नहीं सुने, आप कभी सुने नहीं है पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, आप कभी जानते नहीं कि पोषक स्तर क्या होता है, आप कभी देखे नहीं है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, तो कैसे लिख पाएंगे? तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना भी जरूरी है। तो बस उसी जानकारी को पूरा करते हुए हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डील करेंगे इसमें कि क्या होती है, कैसे होती है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा और ज्यादा एक एक क्वेश्चन पे ना हम क्या करेंगे तो चर्चा करते जाएंगे, ज्यादा एकदम डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि ये जो है एकदम इतना लिखना है, इतना हमें डिस्कशन करना है। क्यों? क्योंकि भाई 4 नंबर का आता नहीं है, 5 नंबर का आता नहीं है, तो क्यों फालतू कॉपी पन्ना वेस्ट करें और अपना टाइम वेस्ट करें, है ना भाई। तो हम बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन पे और थोड़ा बहुत डिस्कशन और बेसिक जानकारी इसमें लेंगे भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं और 2 नंबर के जितने प्रश्न है इस पर डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करेंगे तो हमें पता चलता है हम पढ़ रहे हैं क्या, परी प्लस आवरण, पर्यावरण के बारे में, है ना, जो कि आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब इसी बीच हमें पता चलता है सर कि जो क्वेश्चन है पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है जो उसका डेफिनेशन जो इसी से क्वेश्चन पूछ देता है। 2022 में पूछा गया था कि वो क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र, शब्द बताइए, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका डेफिनेशन जैसा कि दिया हुआ है आप बता भी सकते हो भाई, क्या प्रकृति में घटकों में अंतर संबंध के कारण जो अपने आप में क्या है भाई, अपने आप संचालित होता रहता है, जो सीक्वेंस चलता रहता है उसे क्या बोलते हैं, व्यवस्था बन जाती है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके बारे में बता भी चुका हूं मैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स भी दे चुका हूं, ये क्या होती है, कैसे होती है, है ना। तो इसके बारे में और ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये सब बेसिक जानकारी थी। अब देखते हैं कैसा टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। सर पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब किसे कहते हैं, जैसे कि वहां भी लेक्चर में बताया स्टार्टिंग में ही, वैसे ये भी बोल सकता हूं मैं, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये मन में आएगा कि सर ये जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होती है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक दो घटक से मिलकर बना हुआ है क्या, आपका पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो अब एक होता है जैविक घटक, अब दूसरा होता है क्या, अजैविक घटक, ये जो है दोनों मिलकर बना है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है सर। अब जैविक बोलते क्या पता चल रहा है भाई, जीव से संबंधित, है ना, जीव जीव जंतु और पौधे, हरे पेड़ पौधे, ये रहता होगा जैविक घटक। और अब अजैविक घटक क्या होगा सर, इसमें जान नहीं होगी, मतलब जीव जंतु नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा भाई, अजैविक घटक। तो धीरे धीरे इस पर डिस्कशन करेंगे। अब जो देखो 2018 सेट बी में 20 में भी पूछा है, 22 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा जा सकता है, 24 में भी पूछा जा सकता है, पूछेगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है भाई। अल्टरनेट साल में देखो 18 में आया था, 19 में नहीं आया, इससे ये क्वेश्चन 20 में आया है, 21 में नहीं आया, 21 में तो वैसे भी लॉकडाउन का सब बहुत सारा मोमेंट था, है ना, 22 में आया है, अब 23 में नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, 24 में भी पूछ सकता है, मतलब सीक्वेंस चल सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है क्या सर, 2019 सेट में पूछा था, 20 में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था सर, वो बोलता है कि घटक क्या होते हैं उसको समझाइए, उसी प्रश्न को देखो कैसे, घटक कितने प्रकार के हैं, जैविक घटक अजैविक घटक उसको समझाइए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रश्न क्या पूछ दिया, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं उनके घटकों के बारे में बताइए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन वही है, पूछ कैसे रहा है, दोनों को मर्ज करके पूछ रहा है, तो ज्यादा लिखना है, और कम लिखना कैसे है, घटक किसे कैसे पूछ दिया, तो ऐसा लिखना है। अब आप क्या बोलोगे, अब 3 घटक से कैसे होगा जैविक घटक, देखो अभी बोला है कि जैविक घटक जो है कहां गया, हाँ जैविक घटक, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार होता है बच्चों, जैविक घटक का मुख्य रूप से 3 प्रकार है, क्या क्या सर, उत्पादक, प्रोड्यूस करता है, जो उत्पाद करता है, जो क्या करता है भाई, निर्माण करता है, वो कहलाता है उत्पादक। फिर बात आती है उपभोक्ता की, है ना, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोग करने वाला, जो उत्पादन हुआ है उसको खाने वाला होना चाहिए, अब वो खाता है, खिलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अब लास्ट में आता है अब घटक, 3 प्रकार हुआ, अभी अब घटक क्या है सर, डिकम्पोजिशन बोलते हैं, मतलब मृत शरीर, मृत पची
जो आपके पशी वो क्या है, पशु पक्षी है ना, वो क्या होता है अंत में, उसके बॉडी क्या होता है, या फिर एक ह्यूमन बॉडी ही लेना, उसको अगर क्या किया जाए, जैसे मिट्टी में दबा देते हैं मौत होने के बाद, अक्सर ऐसी होता है, या फिर कई जगह दहन क्रिया भी होती है, तो क्या होता है वो जो कैसे उसको दबा दिया है मिट्टी में, तो उसके कैसे वो 10 साल 15 साल के बाद उसके हड्डी बस मिलता है वहां पर, अस्थिया फिर अस्थिया का विसर्जन होता है, ये सब बात सुने होंगे ना, मूवी भी देखे हैं, अस्थिया लेके गंगा गए हैं या फिर अस्थिया लेके कहीं और गए हैं, तो क्या होता होगा, कुछ तो बायोलॉजिकल क्रिया होता होगा। अगर आपको ये नहीं पता है ये सब होता है करके, तो ये तो पता होगा कि अगर अगर मैं बात करूं आपके घर में बरसात के समय में जो क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा कीड़ा जो है लाइट के सामने में बहुत मंडराता रहता है, तो वही कीड़ा लोग जिसकी मृत्यु हो जाए या फिर जो कीड़ा मर जाता है उसको लेके देखना, नोटिस करना, बचपन में थोड़ा सा रिकॉल, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं उसको देखा था, बहुत देखा भी हूँ, नोटिस भी किया हूँ और आप भी देखे होंगे, तो क्या करते हैं बहुत सा चींटी लोग उस मृत्यु जो प्राप्त किए हैं कीड़े उसको लेके, चींटी के ग्रुप उसको लेके जाते हैं और पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, फिर क्या होता है सर पता नहीं, तो क्या होता होगा भाई उसके बॉडी में क्या होता होगा, कुछ तो ऐसे कवक या फिर मैं बोल सकूं कुछ पादप ऐसा रहता होगा है ना, जो छोटा छोटा जो क्या होता है आपको फंगस बोलते हैं जिसे कवक जो बोलते हैं, वो क्या करता होगा उसके बॉडी को खत्म कर देता होगा वो छोटे छोटे कीड़े का, मतलब कीड़े के अंदर में भी और छोटा कीड़ा आता है जिसे अपघटन बोलते हैं, और अपघटन की प्रक्रिया करके उसको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते, डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो ये तीन प्रकार है किसका भाई, ये प्रकार है तीन किसका, जैविक घटक का। अब हम देखते हैं कि सर ये उपभोक्ता को भी मैं दो तीन भाग में बांट सकता हूँ, क्या बांट सकता हूँ दो तीन भाग में, देख लेते हैं भाई। हमें पता चलता है कि उपभोक्ता जो है तीन प्रकार के होते हैं सर, क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अब ये क्या है सर, मैं साफ साफ सीधा साफ साफ बता ही देता हूं, सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी के बारे में। अब ये क्या है सर, मांसाहारी बोलते ही पता चल रहा है मांस खाने वाला, सर्वाहारी बोलते ही पता चल रहा है सर कि जो मांस भी खाता हो और कुछ और खाता होगा, शाकाहारी। अब वो शाकाहारी क्या है, शाकाहारी मतलब हरे पेड़ पौधे खाने वाला। अब तीन भाग में बांट दिया किसको मैं, खाने वाले लोग को तीन भाग में बांट दिया, लोग की बात नहीं है, जीव जंतु की बात कर सकता हूं मैं, सांप, भेड़, बकरी, गाय, चीता और चीता, टाइगर चीता है ना, शेर, बाघ हो गया, मोर जरूर खूबसूरत दिखती है लेकिन खाता क्या है भाई, खाता क्या है वो बताओ, सांप को खाता है ना, हाँ ये सब किसके अंतर्गत आ गया, डिवाइड करते हैं। अब उत्पादक क्या है सर, उत्पादक प्रोड्यूसर, हरे पेड़ पौधे सबसे बड़ा उत्पादक का काम करते हैं है ना। अब उत्पादक के श्रेणी में आ गया क्या, हरे पेड़ पौधे, उसको यूज कौन करता है, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं वो कहलाया प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये क्या है सर, हरे पेड़ पौधे कौन खाता है भाई, आपके ले लो बकरी है ना, बकरी, गाय, ये सब हरे पेड़ पौधे खाते हैं, वो हो गया आपके प्राथमिक उपभोक्ता। अब वो भेड़ बकरी को कौन खाता है, दूसरे ऑप्शन में जाओ, द्वितीय उपभोक्ता। उसको खा कौन रहा है, भेड़ बकरी को कौन खा रहा है, द्वितीय उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत क्या आ जाएगा आपके, जो क्या है भाई, जो क्या करे, जो आपके भेड़ बकरी को खाए वो कहलाएगा द्वितीय उपभोक्ता। जिसके अंतर्गत ले सकता हूं मैं मछली, सॉरी सांप आ जाएगा, और लकड़बग्घा, ये सब एग्जाम्पल है किसका, द्वितीय उपभोक्ता। अब इन सांप लोग को कोई और खाता हो है ना, वो क्या कहलाएगा भाई, तृतीय उपभोक्ता। जिसके अंदर क्या आएगा, जो आएगा क्या, मांसाहारी, जो मांस खाता है ना। अब उन सबको जीव जंतु को ये खाने लग गया कौन, तृतीय उपभोक्ता। तो ये क्या हुआ भाई, उपभोक्ता को मैं डिवाइड कर दिया इन तीन भागों में, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019-22 में। ठीक है बच्चों, समझा दोगे इस चीज को, ये आपको बताना है और ये एक्सप्लेनेशन देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और दो तीन एग्जांपल अपने से बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं अभी एट अ टाइम में एकदम से याद नहीं आ रहा है, ये डालना है आपको करके ये एग्जांपल को। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों, ये क्लासिफिकेशन आपको बताना है, ये फ्लो चार्ट आपको बताना है भाई। ठीक है, तब जाकर आपको दो नंबर मिलेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में ही, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं क्या सर, ये कैसे सीक्वेंस में बढ़ता है। देखो भाई, आपका देखो सन से, देखो सौर ऊर्जा सबसे बड़ा सोर्स है क्या, एनर्जी का, एनर्जी मतलब ऊर्जा का। ऊर्जा कहां मिल रहा है भाई, आपके हरे पेड़ पौधे को, हरे पेड़ पौधे को मिल रहा है सर। इसको कौन खा रहा है भाई, चूहे, रैबिट मतलब खरगोश, ये सब खा रहे हैं। ये इसको बोल दिया मैं क्या, प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये खाने के बाद इसको कौन खा रहा है, चूहा को कौन खा रहा है, खरगोश को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, मतलब सर्प खा रहा है, द्वितीय उपभोक्ता। इसको कौन खा रहा है सर, गिद्ध खा रहा है, गिद्ध जीव जंतु को खा रहा है। ठीक है, अब इस गिद्ध को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ये सीक्वेंस चलता रहेगा भाई, प्राथमिक स्तर,
देखो प्राथमिक स्तर, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, और ये तृतीयक, फिर चतुर्थ में आ जाएगा आपका क्या भाई, शेर, चीता, बाघ। ठीक, तो ये जो है इसका एग्जांपल है। क्लियर समझ में आया बच्चों, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े चलो देखते हैं हम। अब बात आएगी अजैविक घटक का, तो अजैविक घटक को भी मैं तीन भागों में बांट सकता हूं भाई, हालांकि आपके सिलेबस में ज्यादा इसको मेंशन नहीं किया है, फिर भी हम बता दें कि इसको बांट सकता हूं मैं देखो अजैविक घटक को क्या बांट सकता हूं भाई, तीन भाग में। कैसे सर, मैं तीन भाग में कैसे बांट दिया, एक बोल दूंगा कार्बनिक और एक होगा क्या भाई अकार्बनिक और एक होगा क्या बच्चों जलवायु। ठीक है, जलवायु घटक। अब ये क्या है सर, तो नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है हमें कि सर ये अजैविक घटक है जो जीव जंतु से रिलेटेड नहीं है। तो बारी बारी देखूंगा, तो कार्बनिक के अंतर्गत मैं बात करूं तो जितने भी एलिमेंट्स है आपके, जितना भी तत्व है वो आ जाएगा कार्बनिक के अंतर्गत। और यही कार्बनिक जो है पदार्थ बनाता है, तत्व बनाता है, और तत्व यौगिक बनाता है, क्या बन जाएगा भाई अकार्बनिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपके जो जितना भी बारिश वारिश तापमान जितना भी है टेम्परेचर जलवायु जो है नमी आर्द्रता वो सब आ जाएगा जलवायु अजैविक घटक के अंतर्गत। या फिर साफ साफ डेफिनेशन दिया जाए, इस श्रेणी में पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटकों को रखा गया है, जैसे वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें, जल, प्रकाश, वर्षा एवं पहाड़, सभी जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। बात यहां तक समझ में आई, बस यही डेफिनेशन देना था हमें और बताना था अजैविक घटक के बारे में। दो नंबर आपका झोली में है भाई, दो नंबर आपको मिल गया। समझ में आया बच्चों, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं मैं इसमें, क्योंकि चार नंबर पांच नंबर का आने वाला नहीं है, दो नंबर का है। तो दो नंबर लायक बताओ भाई, दो नंबर के लायक लिखो। उम्मीद है मुझे ये कि आप पढ़ के आए होंगे भाई, इस चीज के बारे में जानते भी आए होंगे, अगर नहीं जाने तो अभी तो परिचित हो ही गए होंगे। और मैं आपको प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता क्या होती है और आपका जो क्या क्या डेफिनेशन आया है वो सब मैं बता ही दिया, और जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। फिलहाल अभी और क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं भाई, क्या है पारिस्थितिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखो वही प्रश्न है भाई, लेकिन आप पूछ दिया नया टर्म मिल गया साइंस विज्ञान, तो क्या बोलोगे भाई। हमेशा एक डायलॉग याद रखना, विज्ञान की वह शाखा, ये हर जगह डेफिनेशन यूज करना पड़ता है, विज्ञान की वह शाखा है ना, क्या पारिस्थितिक जो विज्ञान है, विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है, या फिर चाहो तो ये लिखो या मत लिखो, लेकिन जो पारिस्थितिक तंत्र का डेफिनेशन उसको लिख दो, साथ में ये बोल दो कि यह विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मिल गया भाई आपको दो नंबर, 2020 में पूछा गया, बात समझ में आई। अब कोई बोलेगा सर इतने बस लिखने दो नंबर कैसे मिलेगा, तो भाई इतना ही मत लिखो ना, थोड़ा सी एडवांस लिख दो कि पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, लिख दो, क्या दिक्कत है इसके लिखने के बाद, है ना, ये लिखे लिख दो, दो प्रकार जैविक घटक अजैविक घटक। जैविक घटक में मन कर रहा है तो उसको भी तीन लिख दो, आउटलाइन टाइप बना, कौन उसका डेफिनेशन पूछ रहा है, और आउटलाइन बना दो, छोड़ के आ जाओ, दो नंबर आपका दो में दो नंबर यहां से मिल गया, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़े, जीव भार किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ 2020 में पूछा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जीव का भार है ना, जीव भार किसे कहते हैं, ये जो है कहा जाए अगर तो ये बोल सकता हूं मैं, कोई स्पेसिफिक एरिया में जीवों का जहां रहता है ज्यादा भार रहता है ना। चलो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन का तो फिर समझ में आएगा आपको, प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे, देखो प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का किसी निश्चित समय पर लिया गया है। ठीक है, देखो प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का किसी निश्चित समय पर लिया गया है कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है, और यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीव भार भी कहलाता है। देखो प्रति इकाई जो है जमीन का, उसको आप समूचे पौधे को क्या कर दो भाई, एक किसी निश्चित समय पर लिया गया है, किसी निश्चित समय पर लिया गया है और प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया में, उस जीव भार, देखो उस, देखो क्या हो रहा है, प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र में, प्रति जो यूनिट, पर यूनिट जो जमीन का क्षेत्र है वो उसके उत्पादन के लिए निश्चित समय पर लिया गया है, और वो जो उत्पादन हो रहा है ना, उत्पादन हो रहा है जो कि प्राथमिक उत्पादन रहेगा, स्टार्टिंग में जो उत्पादन हो रहा है वो दर्शाता है, यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीव भार कहलाता है, बात समझ में आई। जो प्राइमरी में जो प्रोडक्शन हो रहा है एक निश्चित स्पेस में, उसको क्या बोलेंगे भाई, मैं जीव भार बोलूंगा, जो कि डेफिनेशन आया था दो नंबर का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो आप क्या पूछता है सर, वो बोलता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या होती है, बताइए। अपघटक, अपघटक क्या होता है सर, फफूंद, कवक, ये सब क्या करते हैं सर, डिकम्पोजिशन,
जो बॉडी मृत हो जाता है, जो पक्षी दिखता है उसका भी मृत हो जाएगा, वो क्या होता है सर? अंत में फिनिशिंग कैसा होता है उसका? वो जाता तो जाता कहाँ है, फिनिश मतलब समाप्ति कैसा होता है? तो अपघटन के प्रोसेस में ही समाप्ति होती है। अब ये क्या है सर? अपघटक जीव जीव के अपशिष्ट पदार्थों को और आमतौर पर मृत जीव के शरीर के भागों को सरल पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये तत्वों के प्राकृतिक चक्रीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। बात समझ में आई? डिकम्पोजिशन बोला जाता है जिसे, मतलब ये बोल सकता हूं मैं, समापन करना किसी भी चीज। हम जो इंसान है, इंसान का भी एक दिन समापन हो ही जाता है, मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु प्राप्त करने के बाद जो हमारे हर इंसान का एक कहा जा सकता है एक एंडिंग पॉइंट आता है, तब क्या कहा जाता है? उनके परिवार, उनके रिश्तेदार के द्वारा उनका क्या कहा जाता है भाई, अंत में क्या कहा जाता है? मुखाग्नि दिया जाए। ये सब का प्रोसेस सुने होंगे ना? हाँ, तो वो जो है, हालांकि मृत्यु की बात नहीं करना चाहिए, सबको अच्छे से जीना चाहिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था, तो जब अंतिम दिन आता है तो मुखाग्नि दिया जाता है या फिर उनका दफन किया जाता है। तो दफन करने के बाद आपका जो बॉडी है वो आपके पास नहीं रहता, आपका बॉडी जो है आपके साथ नहीं रहता, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाता है। फिर वो खत्म होने के बाद वो जाता का है बॉडी, कुछ साल तक रहेगा वहां पर अगर उसको दफनाया गया है तो। उसके बाद देखिएगा आपके बॉडी से, आपका बॉडी से पूरा जो इतना भी आपको पूरा बना हुआ है, स्किन, जितना भी आपके बाल हेयर सब दिख रहा है, सब खत्म हो जाएगा। अंत में आपको सिर्फ बोन्स दिखेगा, हड्डियां, जिसको भी विसर्जन कर दिया जाता है ना। तो वो क्या हो रहा है? वो डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो अपघटन हो रहा है ना। अपघटन हो रहा है, अपघटन का होना बहुत जरूरी है बायोलॉजिकल क्लॉक बनाए रखने के लिए, बायोलॉजी चक्रण बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर अपघटित हो रहा है तब नया जीव आ रहा है ना। तो ये प्रोसेस चलता है। आज पंछी की बात करूं मैं, पंछी मतलब क्या, आपके जो जितने भी बर्ड्स है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? रेडिएशन बढ़ गया है। अब वो दिखाई नहीं दे रहा है तो कहां जा रहा है सर? वो मर रहा है। वो मर रहा है तो क्या जा रहा है उसका बॉडी? उसका भी छोटे छोटे कीट द्वारा, छोटे छोटे फफूंद द्वारा, छोटे छोटे कवक द्वारा उसका इंडिंग कर दिया जा रहा है ना। तो ये बात हुई क्या पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन की प्रोसेस के बारे में। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, 2017-18 भी पूछा गया था इसको। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ बच गया क्या। हाँ, पोषक स्तर किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया था 2019 में। पोषक का जो स्तर है ना, उसको क्या बोलते हैं? देखो भाई, कोई भी खाद्य श्रृंखला जीवों के एक निश्चित समूह में भोजन या फिर ऊर्जा का प्रवाह प्रदर्शित करता है। एक निश्चित समूह में जीवों के सिक्वेंस जो रहता है ना। अब खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों से होकर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसी पथ को ही पोषक स्तर कहते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण होने के जो क्या बोले भाई, क्रम को, एक क्रम दिया गया, पोषण का स्तर जो रहता है उसको ही पोषक स्तर कहा जाता है, डेफिनेशन हो गया। अब एग्जांपल देखें और समझ में आएगा। जैसे वही उत्पादक प्रोडक्शन हो रहा है सर, प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोल दूंगा? देखो आप पोषक तत्व के आधार पर कैसे बांटा, मैं प्राथमिक पोषक स्तर किसको बोलूंगा? उत्पादक को, क्योंकि वही दे रहा है आपको क्या, हरे पेड़ पौधे दे रहे हैं, वही आपको घास फूस जो मिल रहा है, जिसको खाया जा रहा है, उसी को खाया कौन जा रहा है? अब देखो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब पेड़ पौधे जो आपको प्राप्त है उसको प्राथमिक उपभोक्ता जो खा रहे हैं, आपके गाय भैंस बकरी ये जो खा रहे हैं वो आ गया प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे बोलूंगा मैं द्वितीयक पोषक स्तर। प्राथमिक पोषक स्तर कौन होगा भाई? जो आपको हरे पेड़ पौधे दे रहे हैं वो हो गया। द्वितीयक पोषक स्तर जो आपके बकरी है वो आ गया। तृतीयक पोषक स्तर जो आपके बकरी को खाने वाले हैं, है ना, जो सर्वाहारी है वो आ जाएगा। फिर तृतीय उपभोक्ता वो हो जाएगा आपका चौथी पोषक स्तर। ये होता है आपका पोषण स्तर भाई। ज्यादा क्वेश्चन नहीं था इसमें, यही जो क्वेश्चन था, जो बेसिक्स था, उसके बारे में डिस्कशन किए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो इससे आने वाला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर नहीं भी आता तो भी आपके नॉलेज के लिए जो कुछ टॉपिक है उसको हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके लिए आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, अगर आपको ये हमारा जो सीरीज है एग्जाम सीरीज मिशन 2023 और आपको पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ भेजिए। बिल्कुल आप लोग इस चीज़ में कंजूसी कर रहे हैं, बिल्कुल आप क्या करें, आपको भेजना है और दोस्तों से शेयर करना है, और बिल्कुल अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कशन करना है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ और लाया जा सकता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। धन्यवाद।